दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। बीएड के लिए वर्तमान में संकट की घड़ी कम होती नजर नहीं आ रही है। आपको मालूम होगा, जब 60 और 65 का मामला था, 40-45 का मामला था, उस समय बीएड वाले ज़्यादातर शिक्षा मित्रों का विरोध कर रहे थे। मामला कोर्ट में गया था, सभी को पता है। शिक्षा मित्र बाहर हुए, सहायक अध्यापक पद से उन्हें हटा दिया गया, प्राथमिक में बीएड वालों को शामिल किया गया। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है, एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बीएड को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए शिक्षा मित्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल गई। पूरी प्लानिंग, फुल प्लानिंग चल रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शिक्षा मित्र अपने मकसद में कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है कि शिक्षा मित्रों के द्वारा जो किया जा रहा है वह सही है? वैसे बीएड में इस समय एकता दिखाई नहीं दे रहा है, संख्या बल बहुत कम है। शिक्षा मित्र संयुक्त हैं, शिक्षा मित्र अपना बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि शिक्षा मित्र को बहुत ही परेशान किया गया, मामला कोर्ट में गया, किस प्रकार से धरना प्रदर्शन हो रहा था, क्या संख्या था, आप सभी को पता है। जो कुछ सामने खबरें निकल कर आ रही हैं उसके आधार पर यही माना जा रहा है कि शिक्षा मित्र के साथ जो किया गया था उसका बदला अब शिक्षा मित्र लेंगे। अगर प्राथमिक से बाहर किया गया बीएड वालों को, तो फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। इस प्रकार की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। आगे क्या अपडेट मिलेगा मैं आपको दूंगा। जो भी खबर मुझे वर्तमान में पता चला है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो क्या शिक्षा मित्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाने से 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो जाएगा? पूरी खबर आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। लेकिन आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें। क्या वास्तव में 69,000 शिक्षक भर्ती से या फिर चयनित अभ्यर्थी, आप बीएड, जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं, नौकरी करें, क्या उन्हें बाहर किया जा सकता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।